ऐसे कुछ लोग जो धर्म को, और दान अभी से नहीं है, दान तो सतयुग से चला रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म विरोधी हैं, वो अफवाहें फैलाते हैं और अच्छा काम ना हो ऐसी रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन अच्छे लोगों को एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए, अच्छे कामों को करते रहना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे लोग अच्छाई छोड़ देंगे तो बुराई फिर से ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो बुराई हावी ना हो उसके लिए जरूरी है कि अच्छे लोग एक साथ खड़े रहें। तो राजा से कह रहे, ब्राह्मण दान तो हमने आपसे लिया है, हमें दो गाय नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, लेकिन यही चाहिए जो दान में लिए। अब राजा ने थोड़ा लालच देना शुरू किया, एक गाय के बदले चार ले लो, दस ले लो, बीस ले लो, एक को बोले एक हजार गाय ले लो, एक लाख गाय ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो। तब ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, अरे राजा तू हमको ब्राह्मण नहीं समझता है, तू तो हमको लालची समझता है, तू हमें लालच दे रहा है पर न्याय नहीं कर रहा है। एक और बात बता दें, जिन ब्राह्मणों को आप दान दें, भाव रखें, उन्हें कभी लालची न समझें, वरना दिया हुआ दान सब नष्ट है, कोई काम का नहीं वो दान आपका। लालची वो होते हैं जो अपने लिए करते हैं, लालची वो होते हैं जो अपने ईगो के लिए करते हैं, लालची वो होते हैं जो अपनी परिवार के लिए करते हैं, लालची वो नहीं होते जो समाज के लिए करते हैं, लालची वो नहीं होते जो अपने धर्म के लिए करते हैं, लालची वो नहीं होते जो आपके बच्चों के लिए करते हैं, वो लालची नहीं होते। अब कथा कितना बड़ा दान देती है, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं हमने मच्छी खाना छोड़ दिया भागवत कथा सुन सुन कर, कितने लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, एक बार हाथ उठाइए, ये भागवत सुन के ही छोड़ा है ना। अब ये बताओ मच्छियों पर कितनी बड़ी दया कर दी भागवत ने, कितने लोगों से बच गई वो। लोग कहते कथा कुछ देती नहीं, अरे भैया अंधे हो क्या, आंखें खोलो बहुत कुछ दिखेगा, भागवत बहुत देती है, ठाकुर जी की कथा बहुत कुछ देती है। अब राजा लालच को बढ़ा रहे, तो राजा को बार बार ये कहने से ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि तुम हमको लालची समझते हो, तो साप दे दिया, जाओ हम तुम्हें साप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे तुम बदलते हो। तो इतना दान देने वाला राजा वो गिरगिट बन गया, पर क्या उसका दान दिया हुआ नष्ट हो गया? बोले नहीं, चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। तब उन्हीं ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भी तुम्हारे इस दान की वजह से ही होगा, कि द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण अवतार होगा तो तुमको उनका दर्शन होगा। अब हम आपसे कहें कि जितने भी लोग हैं या कोई भी बोले हम पूरा कलकत्ता भगवान को दे दें दान में, और इसके बदले में एक सेकंड भगवान हमें दर्शन दे दें, वो देंगे? जवाब दीजिए, देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सेवा भाव अगर अच्छा है, दो रुपये भी आप मत दो लेकिन सेवा भाव और श्रद्धा में मजबूती है, तो भगवान आपको बिना पैसे के ही दर्शन देंगे। अभिमान बहुत बुरी चीज है। मैं एक जगह एक स्टोरी पढ़ रहा था, दुनिया के सबसे रईस आदमी बिल गेट्स, किसी ने उससे पूछा कि भाई तुमसे बड़ा कोई पैसे वाला है कि तुम ही हो? उसने कहा नहीं, मुझसे बड़ा भी कोई पैसे वाला है। बोले कौन, आपसे बड़ा कौन है इस समय? नाम तो आप ही का है। बोले नहीं, मुझसे भी बड़ा है। बोले कौन है? बोले ये समय है, उस समय की बात है जब मेरा इतना नाम नहीं था, मैं इतना पैसे वाला नहीं था, तो मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरा, सुबह का समय था, तो सुबह के समय एयरपोर्ट पर जब उतरा तो एक पेपर बेचने वाला बालक पेपर बेच रहा था। तो उसने कहा साहब पेपर ले लो, अखबार ले लो। तो उसने कहा मेरे पास खुले नहीं है, पैसे वाला इतना नाम नहीं था, पैसा तो था ही। बोले मेरे पास खुला पैसा नहीं है। तो एक पेपर सेंट में आता होगा कुछ ना, वो खुला नहीं है। बोले कोई बात नहीं साहब, आप ये पेपर ले लो, एक्चुअली मुझे जितना प्रॉफिट करना था मैं कर चुका हूँ, ये मेरे बेनिफिट में से है, जो पेपर मैं आपको दूंगा ये बेनिफिट में, मेरे लाभ में से है, मैं तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, तो आप पेपर पढ़ लो। बिल ग्रेट्स ने बिना पैसा दिए पेपर पढ़ लिया, पेपर ले गए। कुछ समय बाद फिर एक बार और आए उस एयरपोर्ट पर, फिर वही बालक से मिले।
फिर उस बालक ने कहा कि आप ये ले लो पेपर, हाथ डाले जेब में, बोले खुले नहीं, बोले कोई बात नहीं मेरा काम हो चुका है आप ले लो। बड़े परेशान, ये पैसा नहीं है ही नहीं, दूं खुले कहां से। तो फिर तीसरी बार जब वो उनका बहुत नाम हो गया, बहुत ज्यादा नाम हो गया, अपार पैसा हो गया, तो वहीं उसी एयरपोर्ट पे उतरे तो फिर वही बच्चा नजर आया, बच्चा मतलब बड़ा हो गया था। फिर उसने कहा कि आप पेपर ले लो, तो उसने कहा आज इसका कर्ज उतारता हूं। बोले बता तुझे कितने की जरूरत है। बोले मतलब, बोले देख मेरे पास अब बहुत है और तूने मुझे दो बार फ्री पेपर पढ़वाया है, तो तेरा कर्ज भी मेरे पास है, मैं चाहता हूं मैं तेरी हेल्प करूं, तू जितना चाहे मैं तुझे उतना दे दूंगा, तुझे जो चाहिए तू बोल एक बार। उस पेपर वाले का जवाब था, साहब मैंने दोनों दिन आपको पेपर अपने प्रॉफिट में से दिए हैं और आज भी पेपर पढ़ना हो तो प्रॉफिट में ही पढ़ लो, आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं। कितने गजब की बात है, एक दुनिया का सबसे रईस आदमी एक पेपर बेचने वाले को कह रहा है कि तुम कुछ ले लो और उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस बिल गेट्स ने ये कहा है, अपनी किताब में लिखा है शायद उसने, कि मेरे से ज्यादा अगर कोई पैसे वाला है तो वो पेपर बेचने वाला है, जिसने मुझे अपना कर्जदार बना दिया पेपर पढ़वा कर, लेकिन मुझसे उसने कोई हेल्प नहीं ली मेरे कहने के बावजूद भी, तो मुझसे ज्यादा वो है। धनवान बड़े नहीं होते, जिसके कर्म बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनका कर्म श्रेष्ठ है वो बड़े होते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आज उस दान का प्रभाव है कि राजा नरक का कल्याण हो गया, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और भगवान श्याम सुंदर ने उनके ऊपर कृपा करी है। बोलो राधे राधे। और भी कई प्रसंग आते हैं इसमें, बलराम जी जब गोकुल जाते हैं तो बलराम जी की गोकुल यात्रा है और अनेक अनेक कथाएं हैं। मध्य में पौंड्रक नामक एक राजा था जो नकली कृष्ण बन गया, जो कहता था मैं ही कृष्ण हूँ, ये कृष्ण तो नकली है। देखो गजब की बात है, नकली गरुण बना लिया काठ का, उसमें पंख फिट करवा ली और इंजन ही फिट करवाया होगा, कोई वैसे दौड़ेगा नहीं काठ का, और नकली अपनी दो भुजा लगवा ली काठ की और कहे मैं चतुर्भुजी कृष्ण हूँ, तो मेरी पूजा करो, सब मेरे पूजा करो। अच्छा भाई गजब की बात है, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी भगवान क्या सोचते होंगे, जब कृष्ण क्या सोचते होंगे जब उनके आगे एक नकली भगवान खड़ा होगा, असली के आगे नकली खड़ा हो तो भगवान क्या सोचते होंगे। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है वो लीला देखने अनुभव, सिर्फ कल्पना कीजिए उस लीला को कि नकली पौंड्रक खड़ा है चार भुजा लेकर, ये दो असली दो नकली, और कह रहा है कि मैं कृष्ण हूँ और गरुण भी बनाया बायकायदा, मशीन फिट है उसमें, गरुण उड़ रहा है। नारद जी बोले आप नकली हैं वो असली है। बोले हाँ हाँ आप बहुत असली हो गए। आजकल भी कलयुग में आप देखते होंगे अपने आप को लोग भगवान का अवतार घोषित कर देते हैं। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, अगर किसी दिन गलती से मुझ में भी घमंड आ जाए और मैं भी अपने आप को कह दूँ कि मैं भी कृष्ण का अवतार हूँ, तो उसी दिन से मेरी कथा सुनना बंद कर दीजिएगा, उसी दिन से।